चने का, ज़्यादा नहीं कूटेंगे, थोड़ा थोड़ा कूटेंगे बस थोड़ा। देखिए दोस्तों क्या ही मस्त चिकन रहा। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, शाम का टाइम हो गया और अब एकदम मौसम चेंज हो गया, जैसे लग रहा बारिश होगा बहुत तेज। तो आज हम लोग शाम के खाने में बनाने वाले हैं हांडी चिकन, फुल देसी स्टाइल में और देसी चिकन। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताई वीडियो कटे स्टार्ट। तो इधर डाली हांडी को धुल रही है, आज बनेगा हांडी वाला मीट बहुत दिनों बाद। तो इधर हांडी को लिया देती है। इधर सूजी का चिप्स भूज रहा है, अभी चाय बना कर रख लिए, अभी हम लोग चाय और सूजी का पापड़ एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज बारिश हुआ है दबा के। इधर हांडी को रख देते हैं चूल्हे पे। इधर गरम हो गया है हांडी, इसमें तेल डाल दिए सरसों का, अभी अच्छे से गरम होने देंगे सरसों तेल। इधर हम ले लिए हैं लहसुन, दो तीन गांठ छोड़ा के ले लिए हैं, सूखा हुआ मिर्चा खड़ा, तीन साबुत लहसुन खड़े, और इधर है दो दालचीनी, चार इलायची, एक बड़ी इलायची, और इधर तेज पत्ता, ये सारे पड़ेंगे फ़ौरन में। इधर तीन पाव प्याज है, इसको भी अच्छे से काट लिए हैं। इधर हम गिलास में रख लिए हैं लहसुन, इसको अच्छे से कूट लेते हैं, देसी जुगाड़ है कूटने का, ज़्यादा नहीं कूटेंगे, थोड़ा थोड़ा कूटेंगे बस थोड़ा सा चिपला हो जाए। फिर तेल अच्छे से कड़क गर्म हो गया है, इधर खड़े मसाले और तेज पत्ता डाल देंगे, जितना भी मिर्चा है इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ के पड़ेगा। इधर मिर्चा तोड़ लिए, इसको भी डाल देते हैं। इधर कूटा हुआ लहसुन है, इसको भी डाल देते हैं। अच्छे से चलाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्यों आ रही है ना, खुशबू बहुत मस्त आ रही है, सोना सोना। तो देखिए क्या ही मस्त लहसुन मिर्चा सब कुछ खड़े मसाले से पक गया, खुशबू भी जबरदस्त आ रही है। तो अभी हम डाल देंगे प्याज, सारे प्याज को डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक देंगे, और प्याज अच्छे से गलेगा। ये तीन खड़े लहसुन है, इसको भी डाल देते हैं। तो देखिए 5-7 मिनट अच्छे से प्याज को भूनते भूनते हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा इसे सौते हो गया है, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, उसके साथ मीट को डाल देंगे, मीट भी साथ में और प्याज दोनों के साथ भुनेगा। डालो मीट, अभी अच्छे से मीट को प्याज को एक ही साथ अच्छे से मिक्स करके, और 10 से 15 मिनट प्याज में अच्छे से धीमे आँच में, बिल्कुल धीमे आँच में चिकन प्याज के साथ पकेगा, उसके बाद से इसमें पड़ेंगे कुछ मसाले, अभी नहीं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, अब 15 से 20 मिनट आराम से प्याज के साथ पकेगा। इसको ढक देते हैं। इधर चिप्स चाय लग गया, डाली मम्मी एंजॉय कर रहे हैं, अनूप भी आ गए एंजॉय करने। इधर अनूप जी चाय और नल्ली खा रहे हैं। अनूप जी कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बार बारिश हो रही है हल्की हल्की, उधर चाय पी रहे हैं, मटन चिकन बन रहा है, इधर डाली जी चाय पी रही हैं, इधर मम्मी चाय पी रही है, इधर हम अपना चाय ले लिए हैं, तभी चिप्स खाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्यों अनूप? तो इधर नमक डाल देती है, 10 मिनट लमसम प्याज और मीट भुना है अच्छे से अपने में, पानी छोड़ दिया है प्याज, अब इसमें नमक पड़ जाएगा और नमक के साथ अच्छे से 10 मिनट और भुनेगा। अच्छे से प्याज नमक सारा मिक्स हो गया, अभी ढक के इसको 10 मिनट और पकेगा, तब पड़ेगा मसाला। मीट बन रहा है, तब तक हम आटा सान लेते हैं, उस
वो चलेंगे चावल धुलने। इधर देखिए क्या ही मस्त रात हो गया है, एकदम बारिश हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण मिट्टी गीली हो गई है और मौसम भी आज ख़राब है एकदम से, एकदम ठंडा मौसम है तो ठंडे के मौसम में बन रहा है चिकन। इधर देखिए हांडी चिकन मम्मी बना रही है। मम्मी बनाते हुए कैसा लग रहा है हांडी चिकन? मस्त लग रहा है। तो देखिए दोस्तों मम्मी का हाथों का चिकन बहुत ही मस्त लगता है खाने में, बहुत अच्छी बनाती है। तो देखिए क्या ही मस्त चिकन जो है कि बन रहा है। इधर रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मौसम चेंज है, तो इधर मम्मी चिकन जल्दी जल्दी बनाते जा रही है। और इधर देखिए डाली जो है कि चावल को साफ कर ली है, चावल को रख रही है। और इधर देखिए दीदी आटा को भी सान ली है अच्छे से। तो तीनों लोग मिल बांट के काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है काम हम लोगों का। तो इधर आटा सान के कंप्लीट कर दिए, अभी चलते हैं चावल को धो लेते हैं। गरम मसाला डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं, चलो देखिए दोस्तों क्या ही मस्त चिकन दिख रहा है। प्याज लहसुन के साथ अच्छे से भून गया, सारे मसाले खड़ा डाल दिए थे इसलिए हम बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बस गरम मसाला हल्दी डाले, नमक पड़ गया था जिसे बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले नहीं डालते और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप लोग कोई कमेंट किया था हमको कि आप ज़्यादा मीट में मसाला नहीं डालती हैं, तो बस इतना ही मसाला पड़ता है, ज़्यादा मसाला डालने से बिल्कुल मसाले वाला टेस्ट आ जाएगा तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और देखिए कोई कमी मसाले की नहीं दिख रही है इसमें, परफेक्ट है। तब इसको 20 मिनट पकाएंगे, इधर 20 से 25 मिनट अच्छे से मसाले साथ भून गया है, 20 मिनट तक एकदम अच्छे से गल गया। देखिए कलर क्या ही मस्त और क्या ही मस्त दिख रहा है चिकन। अब इसमें पड़ जाएगा पानी, हाँ इसमें पड़ जाएगा 1 गिलास पानी और अब पानी के साथ 7-8 मिनट पकेगा, उसके बाद फिर उतरा जाएगा और इसमें रखा जाएगा चावल। ठीक है दोस्तों इधर क्या ही मस्त चिकन बन के रेडी हो गया है, तो अभी इसको नीचे उतरा जाएगा। अभी इधर चावल रखा जाएगा फिर बनेगा रोटी। सारी रोटियां बनाने लगी है, चावल बन के कम्प्लीट हो गया है, मीट भी बन गया है। तो देखिए इधर डाली रोटी बनाने लगी है, तो फटाफट रोटी बना लेती है। डाली जी देखो रोटी जल रहा है, इधर डाली फटाफट रोटियां बना लेती हैं, तब निकालते हैं सबके लिए खाना गर्मा गर्म। जल्दी बनाओ रोटियां। इधर चावल बन के रेडी हो गया है, इधर मीट भी बन गया, दिखाओ मम्मी इधर मीट भी देखिए क्या ही मस्त बना है। फटाफट चावल निकाल लेते हैं इसके लिए, इधर मम्मी मीट निकालते जाएगी। इधर देखिए क्या ही मस्त नॉनवेज बन के तैयार हुआ दोस्तों, अब कलर तो बहुत ही मस्त आया है, निकला जाएगा खाना फटाफट। हांडी का चिकन ही कुछ अलग होता है, चिकन निकाल लेती है। देखिए सारे खाना निकल के रेडी हो गया है दोस्तों, देखिए एकदम से गल गया है, फटाफट रोटी निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर नॉन वेज मतलब चिकन चावल रोटी लग गया, चारों लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, तो देखते हैं कैसा खाना बना है। अम्मी बताओ कैसा हुआ चिकन, दादी कैसा हुआ चिकन? बहुत अच्छा।
हरीश, देखिए हरीश कहीं रिलेशन में गया था, बहुत दिनों बाद आया है। तो हरीश जी बताइए, आज बहुत दिनों बाद आप इंटर किए हैं वीडियो में, तो आज बताइए चिकन का। और इधर अनूप जी देखिए मजे ले लेके खा रहे हैं। अनूप जी देखिए इधर चावल और नॉनवेज, देखिए चिकन का कलर क्या ही मस्त आया है, क्या ही गल गया है। तो अनूप खा के बताएगा कर। बहुत ही टेस्टी। एकदम मस्त है हांडी का चिकन, एकदम सोना सोना लगता है। बहुत मस्त तो देखिए गाइस इधर चिकन चावल रोटी लग गया, सब लोग खा रहे हैं और सबका रिएक्शन तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में, फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।